हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बड़ा ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, आलू और चने से बनी सब्जी। ये सब्जी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में फेमस है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप पूरी, पराठे, रोटी, चावल के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगता है और बनाना बिल्कुल आसान है। घर में रखे इंग्रेडिएंट्स से हम इसे बना के तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। चना की सब्जी बनाने के लिए हमने चने को रात भर भिंगो के रखा था, बाद में छान के हमने इसे दो पानी से धो के रख लिया है। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। गैस पे हमने एक प्रेशर कुकर रख लिया है। प्रेशर कुकर को हमें गर्म कर लेना है। इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। तो यहाँ पे हम सरसों का तेल डालेंगे, आप जो भी वेजिटेबल ऑयल खाते हैं वो डालिए। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। अब हम इसमें डालेंगे दो दालचीनी स्टिक, एक बड़ी इलायची, एक चम्मच जीरा और सभी फोरन को हम अच्छे से चटकने देंगे। अब देख सकते हैं तेल में मसाला डालने के बाद एक अच्छा सा खुशबू भी आ रहा है और फोरन भी अपना चटकने लगा है। अब हम इसमें दो डाल देंगे तेज पत्ती, और तेज पत्ती डालने के बाद हम फटाक से डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे हमने दो बड़े प्याज को थोड़े थोड़े पीसेस में काट रखा है। इसे हम एक से डेढ़ मिनट तक यानी कि सॉफ्ट होने तक भून देंगे। आप देख सकते हैं हल्का सा सॉफ्ट हो गया है अपना प्याज। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच दरदरा कूटा हुआ लहसुन। लहसुन यानी कि 8 से 10 कली को हमने दरदरा कूट लिया है। इसे भी प्याज के साथ भूनेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे अदरक। तो अदरक को हम ऐसे पतले पतले लच्छे में काट रखा है, क्योंकि चने की सब्जी में ये लच्छेदार अदरक बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे हम खड़ी मिर्च यानी खड़ी मिर्च को हमने बीच से ऐसे सीधे लगा लिए हैं, तो हम 3 से 4 उसे भी डाल देंगे। और प्याज के साथ हम और 1 से 1.5 मिनट तक इसे भूनेंगे। ध्यान रहे मीडियम फ्लेम पे हम सारे प्रोसेस कर रहे हैं। अब देख सकते हैं हमने प्याज के साथ अदरक लहसुन मिर्च सबको भून लिया है। प्याज का कलर भी हल्का गुलाबी हो गया है। तो हमें ऐसे ही चाहिए आलू चने की सब्जी में कलर प्याज की। अब यहाँ पे हमने दो बड़े आलू को क्यूब शेप में काट रखा है, इसे डाल देंगे और प्याज के साथ हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। देख सकते हैं हमने आलू को भी 1.5 मिनट तक भूना है। आलू अच्छे से भून चुका है। अब हम यहाँ पे डालेंगे जो चना हमने भिंगा के वो छान के रखा था, उसे डाल देंगे। ये बहुत ही बढ़िया सब्जी तैयार होती है। इसे हम आलू के साथ 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। जब तक आलू के साथ चना भून रहा है, तब तक हम एक दूसरे बोल में मसाला की तैयारी कर ले रहे हैं। हमने यहाँ पे एक छोटा सा बॉल ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे मिर्च का मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। बच्चों के लिए है तो थोड़ा सा तीखा कम कर दीजिए और बड़ों के लिए तो सही माप है। यहाँ पे हम 1/2 चम्मच हल्दी का डाल लेंगे और स्वाद के अनुसार हम नमक मसाला में ही मिक्स कर लेंगे। इन सारे मसाले को हम मिक्स करके सब्जी की तरफ ले चलेंगे। अब देख सकते हैं अपनी चना आलू के साथ अच्छे से भून चुकी है। तो हमने जो मसाला का ये मिक्स तैयार किया था उसको डाल देंगे और इसे डाल के हम 1 से 1.25 मिनट तक और भूनेंगे। फ्लेम मीडियम रहेगा, ये बात ध्यान रहे। साथ में हम डालेंगे 1 टमाटर जिसे हम छोटे छोटे क्यूब्स में काट के रखे हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो प्यूरी डालिए, पर क्यूब्स का टमाटर देखने में अच्छा लगता है। इसे हम डाल के और 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे अच्छे से। आलू चने के साथ अपना मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे।
तो हमें पानी इतना ही डालना है कि अपना आलू चना अच्छे से भूख जाए। हम चला के एक बार देख लेंगे तो अपने पानी थोड़ा कम लग रहा है और हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पे हम चम्मच को ऐसे धो के सारे मसाले को इकट्ठा करते हुए बीच में कर लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से अपना आलू और चना पानी में डूब चुका है। इतना ही हमें ग्रेवी रखना है। अब हम कुकर के कवर को लगा देंगे और इसे 3 से 4 भीसिल आने तक पकाएंगे। ध्यान रहे हम पहले वाली सीटी तेज फ्लेम पे डलवाएंगे, बाद में हम फ्लेम स्लो करके 3 से 4 सीटी मरवा देंगे तो चना अपनी अच्छे से गल जाती है। तो चलिए हम प्रेशर कुकर खोल के अपनी चना आलू की सब्जी चेक कर लेते हैं। अरे वाह, ध्यान से देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। एक बार मैं चला के आपको दिखा देती हूँ, देख सकते हैं कितनी बढ़िया आलू चने की सब्जी तैयार हुई है। तो हम थोड़ा सा आलू को ऐसे प्रेस कर देंगे तो ग्रेवी जो है अपनी गाढ़ी हो जाएगी। आप देख सकते हैं थोड़ा आलू प्रेस करने पर कितनी सुंदर ग्रेवी तैयार हुई है। अब चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया आलू चने की सब्जी बनाना कितना आसान है और खाने में तो ये टेस्टी लगता ही है। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। धन्यवाद।